आज कश्मीरी पंडित वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पर सड़कों पर प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं, ये अपने अपने उनके पास रास्ता ही नहीं है कोई, उनके पास ऑप्शन नहीं है कोई, आपने उनको हॉस्टेज बना के रखा है। आज जहाजी कश्मीर पहले कर पाते क्या? मैं ये मेरा मैं आप 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 मैं आपके सामने बोलूंगा नहीं, पर 375 हटाने से पहले कर पाते थे क्या? ये नहीं हो पाता था, आज कर रहे हैं। हम तो इसका स्वागत करें कि ठीक है, अगर कोई गलती है उसको सुधारेंगे, और आपको भी प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, हम तो कह रहे अधिकार है, परंतु आज वहां पर जमहूरियत को नीचे लेकर गए हैं पिछले कुछ सालों में। हाँ, आपकी बात मैं इस बात से राजी हूँ कि ये गवर्नमेंट के एजेंडे के चलते हुए नहीं हो रहा, आप गवर्नमेंट का एजेंडा अपनी जगह है, परंतु इतिहास को रोकने के लिए अलग से काम करना पड़ेगा, और उसके लिए सुनिश्चित सरकार वहां की जो कश्मीर की जम्मू कश्मीर की सरकार है उस पर काम करिए, और आपको आने वाले दिन में उसके फल दिखेंगे, उसके नतीजे दिखेंगे। मैं खाली तीन पॉइंट आपसे एक मिनट लेना चाहूंगा एज सर्वाइवर ऑफ जिनोसाइड। नंबर एक, ये सरकार जिनोसाइड को रिकॉग्नाइज करे, ये सरकार रिकॉग्नाइज करे कि रिलीजियस क्लींजिंग हैज टेकन प्लेस इन कश्मीर। नंबर टू, जो आपने होस्टेज हमारे बच्चों को रखा है, आप खुद आपके पुलिस महानिदेशक ने अभी कहा एलजी की मीटिंग में कि 2 से 3 साल तक लगेंगे टेररिज्म को खत्म होने में, और 2 से 3 साल तक आप इनको स्केपगोट बना के रखे हैं, आप इनको होस्टेज बना के रखे हैं, और आपसे मुझे पूछा ऐसा क्यों हो रहा है? दे आर क्लियर, गवर्नमेंट क्लियर नहीं है या स्पाइन नहीं है, दे आर क्लियर। यहाँ क्या चलेगा निजामे मुस्तफा, उसका दूसरा फॉर्मेट अब आया है जिसको आप हाइब्रिड टेररिज्म कहते हैं, जो फॉर्मेट बदलते रही है लेकिन मोटिव एक है, एम वही है, और रोज रोज हमारी हत्याएं हो रही हैं, हमारे बच्चों की हो रही हैं, और जो भी नॉन लोकल्स हैं या जो सॉफ्ट टारगेट उनके हैं या जो बिल्कुल बेगुनाह लोग हैं, जैसे अमरीन अभी मारी गई, क्यों मारी गई? क्योंकि शी वॉज एन आर्टिस्ट, दे डोंट लाइक आर्ट कल्चर कोएग्जिस्टेंस। तो ये जो पूरा जिहाद है, ये एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर है कश्मीर में, इसको कब मानेंगे आप?